गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज थोड़ा सा इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट था। सबसे पहले कल क्रिसमस है, तो सबको सबका माहौल ख़राब है यहाँ में, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है। लेकिन तभी भी मैं सबको क्रिसमस को एडवांस में सबको विश करना चाहता हूँ, मेरी क्रिसमस टू ऑल इन एडवांस। मैं आशा करता हूँ कि आप सब प्रार्थना करेंगे कि आने वाले दिन में हम एक संग ढांचा रख के, यूनाइटेड रह के, हम ये बिल का विरोध करें। आज हमारी मीटिंग हुई अगरतला में, अजंता पैलेस में। यहाँ में सब हैं, और लोग भी हैं जो अभी आए नहीं, लेकिन थोड़े दिन में वो आ जाएंगे। यहाँ में और भी हैं, बहुत लोग नहीं आ रहा, यहाँ में अब आ गया। तो मैं आप लोगों को कहना चाह रहा था कि आने वाले 8 तारीख को हमने सोचा है कि एक शांति के तरीके से हम अपना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ अपना आंदोलन फिर से रिस्टार्ट करेंगे। अमित शाह जी ने हमें बुलाया है, लेकिन अभी तक कुछ रास्ता का हल नहीं निकला है। सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, नोटिस गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम बैठकर, ये जब पूरा देश में आंदोलन हो रहा है, हम त्रिपुरा में चुपचाप बैठ कर रह सकते हैं। तो मैंने सबको रिक्वेस्ट किया है, यहाँ में जो यहाँ में नहीं है उनको भी मैंने रिक्वेस्ट किया है कि हम अपना आंदोलन शुरू रखें शांति से, जहाँ में हमें अपने आम जनता के ऊपर कष्ट नहीं होना चाहिए, कॉम्युनल नहीं होना चाहिए। हमारा ये जो आंदोलन है, कोई जाति के खिलाफ नहीं है, कोई भाषा के खिलाफ नहीं है, कोई कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, ये हमारे अधिकार के लिए है। तो हम अपना आंदोलन शुरू कर रहे हैं। और मैं और एक बात कहना चाहता था, ये विस्तार में मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस पे रख के सबको बोलूंगा। सब लोग कह रहे हैं कि मैं अपना पॉलिटिकल पार्टी शुरू कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। मैं आज तक नहीं कहा कि मैं पॉलिटिकल पार्टी शुरू कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं आपको एक थोड़ा सा इंसाइट देना चाहता हूँ कि मैं अपना एक नया संगठन शुरू कर रहा हूँ, जिसका नाम द इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस है। उसका अगर आप अब्रिविएशन देखेंगे तो मतलब होता है टीप्रा, द इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस, टीप्रा। और ये टीप्रा नॉन पॉलिटिकल सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो अपने दोहा के लिए, अपने समाज के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ेगा। तो ये मेरा एक डिसीजन है। आपको शायद पहले से थोड़ा इन्फॉर्मेशन होगा, हमारे यहाँ में इतने सब लोग हैं, मैं सबको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। और भी हैं जो आज आए नहीं हैं, यहाँ में सब लोग हैं, कैमरा के पीछे भी हैं, लेकिन उनको अभी मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक इंसाइट दे देता हूँ। और हम लोग सब एक होकर अपने दोहा के लिए लड़ेंगे, लेकिन किसी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। फिर से मैं बोलना चाहता हूं कि किसी को घबराने का बात नहीं है। टिपरा, द इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हम सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जो अपने सोशल राइट्स के लिए, अपने लैंड के लिए, अपने जमीन के लिए, अपने आइडेंटिटी के लिए लड़ेंगे, और किसी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। ये मेरा मैसेज था। फिर से मेरी क्रिसमस टू ऑल एंड हैप्पी न्यू ईयर। आने वाले 8 तारीख को हम अपना आंदोलन, क्योंकि 8 तारीख में माधव बारी में आपको याद होगा हमारे लोगों को मारा गया था, उसी 8 तारीख को हमें नहीं भूलना चाहिए, 1 साल पहले क्या हुआ था। और हम उसी दिन फिर से अपना आंदोलन शांति से स्टार्ट करेंगे। आप प्लीज हमें, हमारे संग कॉपरेट कीजिए। जो IMPT से है वो भी कॉपरेट कीजिए, जो IPFT से वो भी कीजिए, जो TPF से वो भी कीजिए, क्योंकि मैं इसमें पॉलिटिक्स नहीं लाना चाहता हूँ, मैं थानचा लाना चाहता हूँ, मैं सबको लेकर एक संग काम करना चाहता हूँ। बेलाई बेलाई नो हम बाय एंड सी यू सू। धन्यवाद।